ये जन्मकालीन चंद्रमा है आपका, कोई भी राशि होगा हम लगा लेंगे। पहले सभी लोग समझिएगा कि ये मेरे ही राशि है, आप सब अपना अपना राशि यहाँ रख दीजिए, हमको नहीं पता किसकी क्या राशि। अब हमने क्या कहा कि गुरु दूसरे से शुभ गोचर करेगा और पांचवें से सातवें से नौवें से। अगर गुरु नवे से निकल गया और तो ग्यारहवें में जाने में एक साल लगेगा उसे, तो क्या ये एक साल तक शुभ गोचर में नहीं होगा? और क्या गुरु अपने सारे शुभ परिणामों को बंद कर देगा? सिर्फ समझिएगा, ग्यारहवें से निकल गया तो बारहवें में और लग्न में भी शुभ गोचर नहीं कहा गया, अर्थात दो साल जब यहाँ गुरु गोचर करेगा तो गुरु की उस समय दशा अंतर दशा मेरी नहीं होगी, आपकी होगी, आपकी नहीं होगी, किसी और की होगी। तो क्या उस अंतर दशा में क्या गुरु का यदि अशुभ गोचर चल रहा है तो क्या हमको शुभ परिणाम नहीं मिलेगा? और वो दो साल यहां से निकल जाएगा तो होगा? तो इसीलिए इस विषय को रिजल्ट के ऊपर कैसे समझेंगे वो हम लोग अलग पढ़ेंगे, पहले कारण समझेगा। फिर दूसरे में गोचर किया तो शुभ हो गया हमने माना, फिर तीसरे में भी गोचर अशुभ है और चतुर्थ में भी अशुभ गोचर कहा गया, तो फिर दो साल गुरु के परिणामों के लिए क्या हमको रुकना पड़ेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही स्थिति शनि की है, क्योंकि हमने कहा शनि इन तीन स्थानों से गोचर करेगा। आपका चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा से तीसरे और छठे और ग्यारहवें, जन्म के चंद्रमा से तीसरे छठे और ग्यारहवें यदि शनि गोचर करेगा तो क्या हम शनि के गोचर को शुभ मानेंगे और अन्य जगहों के लिए क्या हम अशुभ मानेंगे? तो अब समझिए कि यहाँ से गोचर करके निकल गया तो ढाई पांच साल तक मेरे लिए शुभ गोचर में नहीं है वो, तो क्या पांच साल तक हमारा टाइम करेक्ट नहीं होगा? हर काम बिगड़ जाएगा, कोई काम नहीं बनेगा? क्या इस बीच में शुभ गोचर में नहीं है शनि बीमारी देता है, क्या आपको बीमारी देगा? और अगर मान लीजिए यहाँ से निकल गया तो एक दो तीन चार और चार को ढाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या दस साल तक हमारे लिए शनि शुभ गोचर में नहीं होगा? तो क्या वो परिणाम शून्य हो जाएगा? ठीक है, सूर्य मंगल इस महीने नहीं तो अगले महीने, ठीक है। तो हम इसी व्यवस्था के कारण गोचर के लिए गणित का प्रयोग हुआ जिसको हम लोग अष्टक वर्ग बोलते हैं। अब कहा गया कि नहीं, इतना दिन प्रतीक्षा नहीं कर सकते, अगर कोई आदमी ये पूछता है कि धन कब होगा, नौकरी चाकरी करने वाला है तो कहेंगे रिटायर होंगे तब मिल जाएगा, इतना मिलेगा। लेकिन व्यापारी को पूछना है कल 1 करोड़ रुपए का काम है, ये बता दीजिए कल 1 करोड़ रुपए का इंतजाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फंस गए, कार तो लगाए हुए हैं लेकिन आप हमको रात भर सुनने के लिए सवाल लेके ना सुने, आप बोल देंगे तो ठीक है सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। तो क्या आप क्या कहेंगे, गुरु तो आठवें चल रहा है भैया, नहीं होगा इंतजाम? तो उसके लिए अष्टक वर्ग को निहारते हैं हम लोग, कि अष्टक वर्ग के हिसाब से हम लोग जज करके देखेंगे कि क्या गोचर का परिणाम शुभ मिलेगा या नहीं। क्योंकि इतने दिन तक यदि प्रतीक्षा करना पड़े तो इस गोचर को कौन पढ़े? लेकिन यदि शनि छठे में है, शनि तीसरे में है,
और 11वें में है तो आपका मन बुलंद रहेगा, शनि चतुर्थ पंचम ये में है तो हो सकता है कि थोड़ा सा मन के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट आ जाए यदि शनि की ही दशा हो। इस विषय को समझ लिए, थोड़ा सा हम यही आप लोगों को, सबका चंद्रमा यही है, बात समझिएगा, सब कोई अपना अपना राशि लिख लीजिए। अब हम सारे साथी और भैया यहाँ बता देते हैं, क्योंकि नहीं तो आप लोग बोलिएगा, आप तो सर अपने सिलेबस में कुछ ऐसा रखे ही नहीं जिससे रुपया कमाया जाए, ठीक है ना? आप गुरु चंडाल दोष पढ़ाते हैं, न मंगारक पढ़ाते हैं, न काल सर पढ़ाते हैं, अब कहिएगा कि सारे साथी भी नहीं पढ़ाएंगे तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। इसीलिए सारे साथी पढ़ लीजिए और दैया भी पढ़ लीजिए। कभी याद दिलाइएगा ये आप लोग, तो हम आप लोगों को पद भी पढ़ा दें। पद पद चार प्रकार के होते हैं, अभी होते हैं वो भी पढ़ा देंगे, वो भी जैसे पढ़ा दिया आपने ट्रांजिट के अंतर्गत आता, समझ गए ना? तो आप सब जान गए कि चंद्रमा आपका कहाँ है। जब चंद्रमा से 12वें स्थान में शनि का ट्रांजिट प्रारंभ हो, साधारण भाषा में समझिए, तो सारे साथी प्रारंभ हो गए। तो इसको क्या कहेंगे, सारे साथी का पहला चरण हो, ये 2.5 साल का होगा। फिर ये चंद्रमा ट्रांजिट करते हुए जहां चंद्रमा स्थित हो तो भी सारे साथी होगा, लेकिन ये दूसरा चरण अर्थात मध्य की सारे साथी कहते हैं। और जब शनि दूसरे स्थान में चला जाए, कहां से, चंद्रमा से, तो ये तीसरा चरण होगा अर्थात अंतिम चरण सारे साथी का। यहाँ प्रारंभ होगा, यहाँ मध्य होगा और ये अंत वाला होगा, अर्थात जैसे ही यहाँ पहुंच गया तो सारे साथी समाप्त हो जाए, ठीक है? तो 2.5 साल यहाँ रहेगा, 2.5 साल यहाँ रहेगा, 2.5 साल यहाँ रहेगा। तो इस तीनों स्थितियों में कहाँ सारे साथी ही जाएगा, गणितीय गणना के अनुसार चंद्रमा का भोगांश कितना भी आप लोगों का हो, किसी का 2 डिग्री, किसी का 10, किसी का 15, किसी का 29, जो भी हो, उससे 45 डिग्री पूर्व भोगांश से शनि जब 45 डिग्री के अंदर आता है। हेलो, हाँ मैं कॉल करती हूँ आपको क्लास खत्म करके। बहना जी बंद करके बताइए। शनि जब 45 डिग्री के अंदर आता है तो सारे साथी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो कोई जरूरी तो नहीं कि चंद्रमा इसमें 15 डिग्री का ही आपका हो। तो चंद्र से पूर्व 45 डिग्री को जैसे ही इन करता है सारे साथी प्रारंभ हो जाए। बाकी टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे कि इसका सारे साथी लग गया, इसका समाप्त हो गया। जिस दिन शनि ट्रांजिट करेगा ना, उसके 6 महीना पहले से लोग तैयारी करते हैं, बता देते हैं। अभी भी सुनिएगा तो अगला सारे साथी किसको लगने वाला है सब बता देंगे पंडित जी, क्योंकि ज्योतिषाचार्य होते हैं, उनको पता होता है सबके बारे में। लेकिन सबके लिए अलग अलग समय पर सारे साथी प्रारंभ हो।
अब आप लोग इसको एक उदाहरण में भी समझिए। मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ 5 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री ये आ गया तो 35, एक राशि 30 डिग्री का है तो इसका मतलब ये कुंभ इसी भाव में 11वें भाव में ही जब ये 20 डिग्री से ऊपर जाएगा वैसे ही इसको साढ़े साथी लग जाएगा। समझ में आया आप लोगों को ना? और उसी तरह जब निकलेगा तो 25 डिग्री यहाँ और यहाँ 20 डिग्री पहुंचने के साथ ही वैसे एंगल बना जाए, ऐसे बना जाए कि 20 डिग्री से जैसे ही बाहर जाएगा रहेगा दूसरे में ही लेकिन साढ़े साथ ही समाप्त हो जाएगा। ये क्लियर मान करके चलेगा। 12वां और दूसरा भाव साधारण समझ के लिए है, बाकी आपके मन के ऊपर जो इफेक्ट है वो आपको उस एंगल से ही समझना पड़ेगा। तो चंद्रमा के भोगांश से शनि जब 45 डिग्री के अंदर आता साढ़े साथी प्रारंभ और 45 डिग्री से दूर चला जाता है तो साढ़े साथी समाप्त, खत्म हो गया साढ़े साथी, नहीं हुआ है। अभी और सुन ली, सर संतान नहीं हो रहा है, सारे साथी चल रहा है, ग्रहण दोष है, कैसे होगा? समझ गए, दो शब्द कहने के लिए आ गए, पत्रिका में क्या है उससे लेना देना नहीं, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला, बताए ना सारे साथी, अभी अपना जान बचाओ, प्रमोशन बाद में देखो, ये उपाय कर लो नहीं तो जान ले लेगा ये शनि, ऐसे लोग बोल, ठीक है आ जाइए। फिर से कहेंगे कि आप लोग अपना अपना चंद्रमा यहाँ रख लीजिए, शनि जब यहाँ गोचर करना शुरू करेगा तो सारे साथी गणिति आप लोगों ने समझ लिया, उसमें ज्यादा नहीं जोर डालना है, हो सकता है यूट्यूब पे दिए होंगे नहीं दिए होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ तो यहाँ से शनि का प्रभाव चेक कीजिएगा, 1 2 3 यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है और यहाँ देख रहा है, 3, 7 और 10वीं दृष्टि। जब शनि इस भाव में आ जाएगा तो शनि यहाँ फिर लिख देते हैं, तो 1 2 3 इस भाव को देख लेगा, दूसरे चरण में 4 5 6 7 इस भाव को देख लेगा दूसरे चरण में और 10 इस भाव को देख लेगा दूसरे चरण में, साढ़े साथी जब लगेगा। और शनि जब यहां आएगा तो 1 2 3 तीसरे चरण में चौथे को भी देख लेगा, यहां 7 तीसरे चरण में इसको भी देख लेगा और ये हो गया 10 तो तीसरे चरण में इसको भी देख लेगा। तो साढ़े साथी का प्रभाव एक भाव पर हुआ है, आप लोगों ने देखा ना, साढ़े साथी का प्रभाव प्रत्येक भाव पर हुआ है, फिर भी कोई सा भाव बचा ना, 5वां बच गया है, ये खाली है, एक भी डंडा नहीं लगा। तो आप लोग सबसे पहले ये समझिएगा सारे साथी का प्रभाव आपके एजुकेशन पे नहीं पड़ता, आपके प्रेम संबंध पे नहीं पड़ता, आपके संतान के ऊपर नहीं पड़ता, आपके पूर्वार्जित कर्म को वो छेड़ नहीं सकता।
समझ गए, पिछले जन्मों में हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं ना, तो जितनी बार शनि को आना है आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो घूमता ही रहेगा। सारे साथी की वजह से यदि कोई कहता है कि संतान नहीं होता, आपका बच्चा बीमार हो गया क्योंकि आपको सारे साथी था, बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है तो सारे साथी था, प्रेम संबंध टूट गए तो सारे साथी था, तो आप लोगों को मैंने सबके लिए बताया, मैं किसी एक के लिए नहीं बता रहा हूं। तो वो पांचवा स्थान है चंद्रमा से पंचम, जिसके ऊपर शनि का ना तो स्थिति बना ना कोई दृष्टि बना, तो इसीलिए प्रभाव साढ़े साथी का पंचम स्थान के ऊपर नहीं होता। हम इस चीज को नहीं मानते, लोग अपने बोलते हैं कि सर साढ़े साथी है ना, इसीलिए मेरा प्रमोशन रुका है। हो सकता है कि रुका हो, अगर यहां से समझें, ठीक है ना, लेकिन अगर ये कहेगा कि साढ़े साथी है सर इसीलिए संतान नहीं हो रहा, बेवकूफ, इस स्थान को छूता भी नहीं सने, समझ गए ना। तो हम इस जन्म के कर्म को हिला सकते हैं, पिछले जन्म के कर्म को शनि भी नहीं हिला पा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को? लेकिन अगर ग्यारहवें स्थान से गुरुजी शनि साढ़े साथी प्रारंभ हो गई तो थोड़ा बहुत तो हिला ही लेगा। बस लेंगे, अभी रुक जाइए ना, भूल जाएंगे साढ़े साथी पढ़ाना क्या क्या होगा, है ना। अब आ जाते हैं, एक आता है जिसके कौन का स्वामी शनि या चंद्रमा हो, उसके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव नगण्य होता है, नाम मात्र होगा। ये क्लियर हो गया? गुरुजी, व्हाट इज दैट वर्ड, जिसके त्रिकोण, आपने त्रिकोण, अभी मैं उदाहरण देके बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। पहले त्रिकोण आपने कहा, त्रिकोण का स्वामी, कौन का स्वामी, मैं अभी लिख रहा हूं, अब उदाहरण दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जिसके कौन का स्वामी शनि या चंद्रमा हो, उसके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव नगण्य। हमारे समझ में आ गया? अब आ जाइए, कौन का मतलब मैंने क्या लिखा वो समझ। अगर किसी का चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो इसके कौन का स्वामी कौन है? स्वयं चंद्रमा है ना, तो इसके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव नहीं होगा। किसी का वृष राशि है, उसके कौन का स्वामी कौन है? शनि है, तो साढ़े साथी का प्रभाव नहीं होगा। किसी की तुला राशि है, उसके कौन का स्वामी कौन है? चंद्रमा शनि है, इसको साढ़े साथी का प्रभाव नहीं होगा। जिसकी कन्या राशि है, उसके कौन का स्वामी शनि है, इसके साढ़े साथी का प्रभाव नहीं होगा। जिसका मीन राशि है, उसके कौन का स्वामी चंद्रमा चंद्रमा है, इसको साढ़े साथी का प्रभाव नगण्य होगा।
मधु जी समझ में आ गया? यस। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप क्या देखेंगे, अगर ये भूल जाते हैं तो याद रखिए। चार आठ बारह, ये जल तक तो राशि है ना, इसके कोण में कर्क आएगा ही, आप समझ सकते हैं। तो ये जल तत्व राशि वालों के ऊपर वो फूल रहता है, शनि आया गया कोई बात, कम प्रभाव होता। उसके बाद एक पांच नौ, इसके ऊपर सबसे ज्यादा होता है ये अग्नि तत्व। दो छह दस, इसके ऊपर, दो छह के ऊपर बहुत कम प्रभाव, दस के ऊपर भी कम प्रभाव। और तीन सात ग्यारह, आप लोग समझ जाइएगा, सबका कौन का स्वामी लगा लीजिएगा, तो सब में सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो इसके ऊपर है। इन लोगों के ऊपर बहुत विशेष प्रभाव नहीं होता, ठीक है। तारतम्य से हम आगे प्रभाव को समझेंगे, लेकिन तत्काल यही आप लोग समझिएगा कि जल तत्व राशि हो आयदर और इसके कोण का स्वामी शनि हो और चंद्रमा हो, उसके ऊपर सारे साथी का प्रभाव कम होता है, अधिक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, भैया कहते हैं रजनी खोरवाल जी म्यूट करिए। पता नहीं, हमको लगता है कि जब हम बोलते रहते हैं तो आप लोग म्यूट रहते हैं, जब आप बोलने लगते हैं हमसे बात कीजिए तब अनम्यूट कीजिए। घर वाले का तो, घर वाले को तो बिना अनम्यूट किए आवाज जा रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब बच जाता है ढैया। अब बताइए ना, सारे साथी कम था जो ढैया ले आया। आ जाइए ढैया की देख लीजिए, सब अपना अपना चंद्रमा यहाँ रखिएगा। चतुर्थ और अष्टम से यदि शनि का गोचर हो तो जातक को ढैया कहेंगे। ये ढाई साल का होता है, चौथे से निकल गया तो ढैया समाप्त, वो ढाई साल का है इसीलिए ढैया। अर्थात लग्न से चौथे गोचर कर रहा है तो ढैया लग गया, और आठवें गोचर कर रहा है तो ढैया लग गया। तो आठवां गोचर यदि शनि का हो तब ये पंचम को प्रभावित कर सकता है, अन्यथा कभी नहीं कर सकता। तो जो दूसरा ढैया है उसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब बाकी ढैया का प्रभाव छठे स्थान के ऊपर है, यहाँ है और यहाँ है, इस स्थानों के संबंधित फलों में उतार चढ़ाव हो सकता है। दूसरे ढैया में ये है और ये है, तो ऐसे स्थानों के ऊपर प्रभाव हो सकता है, इससे ज्यादा कम कुछ नहीं होता। और ये सारे साथी के लिए एक चीज हम आप लोगों को बता देते हैं, अब ये चंद्रमा है, और गोचर करता हुआ शनि जब 45 डिग्री में जाएगा तो ढैया सारे साथी प्रारंभ होगा, और फिर जब 45 डिग्री में, अर्थात ये टोटल 90 डिग्री हो गया, तीन भाव में गोचर करना है, तो 45 डिग्री और गोचर कर लेगा तो समाप्त हो जाएगा। तो इसमें अब एक
30 डिग्री का एक भाव होता है, समझ गए? तो यही लग्न हो गया। अब क्या है, सब लोगों को कहेंगे उतरता हुआ शनि अच्छा फल करता है, सुनते होंगे, वो दशा में भी बता देते हैं। अब शनि की दशा जा रही है ना, अच्छा फल करके जाए, पता नहीं दशाओं में क्यों बोल रहे हैं। अब जैसे जैसे शनि आपके पास करीब आए, एक पागल आदमी है, बात समझिएगा, वो दूर था, आपको मालूम है कि उसके हाथ में पत्थर है, लेकिन वो यहां तक फेंक ही नहीं सकता, आपको कोई डर नहीं है। जैसे जैसे वो आपके नजदीक आएगा, और अगर अब पत्थर उसका हमारे सिर में लग सकता है, तो आपको डर लगने लगेगा कि कहीं पत्थर मार ना दे, ठीक है। और जब वो आपसे निकल जाएगा तो आप समझते पागल है, वो तो उल्टा घूम के देखेगा नहीं, तो हमको कैसे मारेगा, हम सामने वाला समझे, समझ गए ना। तो जब ये चंद्रमा से दूर जाने लगता है, मान लीजिए यहाँ हमारा ये मून है और इधर से शनि आ रहा है, तो इस फोर्स में शनि का प्रभाव ज्यादा होगा, और जब ये चंद्रमा से निकलने लगेगा तो जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे आप रिलैक्स होते रहे, समझ गए। अब आ जाते हैं, इस ट्रांजिट में रिलैक्सेशन संभव है क्या, या इस ट्रांजिट में कोई प्रॉब्लम संभव है क्या? तो इस ट्रांजिट में जब शनि वक्री हो जाएगा, तो यहां चल रहा था अब इधर घूम गया, अब तो ध्यान उसका चंद्रमा की तरफ है नहीं, अब जब फिर ये डायरेक्ट होगा तब ये फिर चंद्रमा की तरफ ध्यान दे दिया। तो प्रारंभिक 45 डिग्री में यदि शनि वक्री हो जाए तो आप जल्दी से भाग जाइए, पागल को टप जाइए, उधर मुख करे नहीं कि सरपट मार दी, जब तक वो इधर घूमेगा हम निकल लिए, छोड़ो छुट्टी करो, ठीक है ना। तो ये जितनी बार इस यहां वक्री होगा उतनी बार आपको एक टाइम फ्रेम क्रिएट करके देता है कि भाई हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो खुदे बकरी हो गए हैं, उल्टा घूम गए हैं, तुमको देख ही नहीं पा रहे हैं। एक बात है जिसको हम कह सकते हैं। और इस स्थिति में अब जा रहा है, समझिएगा बात को, अब ये वापस जा रहा है, हम प्रसन्न हो रहे हैं कि अब जाता हुआ शनि है, बड़ा अच्छा है, कोई बात नहीं। और पता चला कि अभी 10-15 डिग्री 20 डिग्री आगे गया था कि घूम गया वक्री, है ना, पता ही नहीं चलेगा कि फिर से वही असर करने लगा। और फिर जब ये मार्गी हो जाएगा तो फिर आप रिलैक्स हो, क्लियर हो गया, काफी है, इसी के ऊपर आनंद लेते रहिए।